नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। मुखिया ने कराया पंचायत भवन में निशुल्क आग जांच शिविर का आयोजन। वहीं शिविर में जुटी सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़। पंचायत की समुचित विकास के साथ साथ समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला पंचायत है पतिलार, जहां मानव सेवा की भावना लिए मुखिया द्वारा कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं। इसी क्रम में बुधवार को बगहा एक प्रखंड के पतिलार पंचायत भवन में मुखिया प्रतिनिधि डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में निशुल्क आग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां देवंती देवी एजुकेशनल एंड सोशल ट्रस्ट द्वारा संचालित शिव ज्योति आँख अस्पताल के द्वारा शिविर में उपस्थित सभी आँख के रोगियों का निःशुल्क इलाज किया गया है। इस संदर्भ में डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पंचायत के साथ साथ आसपास के पंचायतों के बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के द्वारा बार बार आँख की समस्याओं के बारे में अवगत कराया जा रहा था, जिसके मद्देनजर शिव ज्योति अस्पताल संचालक से बातचीत की गई। उसके बाद आज अस्पताल से डॉक्टरों की पूरी टीम पंचायत में आई है, जिसमें जापानी मशीनों के द्वारा मोतियाबिंद, काला पानी, पर्दे की जांच इत्यादि रोगों का निशुल्क जांच किया गया है। अभिषेक मिश्रा ने बताया कि आज इस शिविर में 493 लोगों की जांच की गई है। जिन मरीजों के आंख में मोतियाबिंद की समस्या है, उनका पंजीकरण भी कराया गया है। जिनके इलाज हेतु पंचायत से अस्पताल तक जाने की समुचित व्यवस्था और खाना, दवा, चश्मा, लेंस, रहने इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर मिठू सानी और रोहित कुमार ने बताया कि समाज सेवी सब मुखिया प्रतिनिधि डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के सहयोग से आगे भी इस पंचायत में निशुल्क शिविर का आयोजन कराया जाएगा, ताकि जो भी वंचित लोग हैं उनके आँख का इलाज किया जा सके। बता दें कि मुखिया प्रतिनिधि डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के द्वारा विगत वर्ष भी आँख जांच शिविर का आयोजन कराया गया था, जिसमें कुल 347 लोगों का निःशुल्क इलाज के साथ साथ निशुल्क चश्मा का भी वितरण किया गया था। वही शिविर के आयोजन के लिए पंचायत के लोगों ने मुखिया प्रतिनिधि की काफी सराहना की है।